है। एंड गाइस यदि आप वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब में रेगुलरली, तो गाइस आपको किस तरह से एक वीडियो जो वीडियोस होता है गाइस यूट्यूब में किस तरह से अपलोड करना चाहिए गाइस, तो मैं आपको एक बिल्कुल राइट वे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से अपलोड करना चाहिए वीडियोस पब्लिक बटन दबाने से पहले गाइस। तो इस वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखिए, और गाइस ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो गाइस प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को, तो आपको किस तरह से राइट वे होता है एक यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने का वो आपको पता चलेगा। तो गाइस प्लीज़ एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ जो बेल आइकन रहता है साइड में घंटी वाला उसको दबाइए, और लाइक बटन तो दबाना ना भूलिए गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस आपको किस तरह से करेक्ट वे रहता है एक यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब में वीडियोस डालने का वो आज हम देखेंगे स्क्रीन पर गाइस। जो वीडियो है गाइस थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा लेंथी है, बट गाइस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसमें थिंग्स है, तो गाइस प्लीज़ एंड तक देखना। और गाइस अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ अभी पीसी में दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है, आप इस चीज़ को आप चाहिए क्रोम ब्राउज़र में, आप जब अपने एंड्रॉइड या फिर आईओएस कोई भी डिवाइस हो तो उसमें आप ब्राउज़र खोलिए, उसमें आपको डेस्कटॉप मोड जो रहता है गाइस उसे ऑन कर लीजिए, और youtube.com को आप सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम गाइस। तो आपको क्या करना है और किस तरह से अपलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चालू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल का लोगो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, रूमर टीवी ये हो गया गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूट्यूब स्टूडियो गाइस। तो यूट्यूब स्टूडियो में जब टच करूँगा तो यहाँ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको जो ये बटन देखने को मिल जाती है कि यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं क्रिएट, और यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। गाइस मैं गो लाइव के साइट में जो रहता है अपलोड का वहाँ से करता हूँ अपलोड वीडियोस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये मैं आपको जो यूट्यूब का नया स्टूडियो गाइस उसमें दिखा रहा हूँ, क्लासिक क्लासिक में बहुत सारी अपडेट की गई है, तो बहुत ज़्यादा ये जो नया वर्जन आया गाइस बहुत ज़्यादा काम का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल करने का आता है या फिर ड्रैग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और जैसे ये रेनो 4 का हो गया ट्रेलर उसी को अपलोड करता हूँ, और उसको किस तरह से अपलोड करना है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाता है और यहाँ पे आप चल जाते हैं, यदि आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप उसे उठा के नहीं डाल सकते, तो गाइस आप जाना सेलेक्ट फाइल करना और वहाँ से आपकी जहाँ भी ये फाइल होगी वहाँ जाके आप इसमें कॉपी कर देना, पेस्ट कर, यानी आप उसमें टच बस कर देना गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो टाइटल गाइस, टाइटल आपको मैंने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ टाइटल डालने से पहले गाइस, उससे पहले जब से वीडियो बनाते हो गाइस सबसे पहले उससे पहले टाइटल को सर्च कर लिए, तो गाइस यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा रेनो 4 ऑफिशियल ट्रेलर। तो गाइस जब भी आप लिखें तो गाइस यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं गाइस जो फर्स्ट वर्ड रहता है वर्ड का, यानी ओ जैसे ओ हो गया ऑफिशियल का, तो गाइस उसको सबको बड़ा रखें, जिससे आपका जो जैसे आप बोल्ड लिखते हैं किसी भी थिंग को तो ज़्यादा आपका जो यानी जो रहता है एक नज़रिए रहता है तो जाके स्टक हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपका कोई वीडियो देखे गाइस तो वो भी यहाँ पर रुक जाए, इसका जो टाइटल रहता है उसको पढ़ते ही। तो गाइस इस तरह से आप जितने भी पार्ट्स लिख रहे हैं उसको इस तरह से बड़ा रख लेना गाइस। तो रेनो 4 ऑफिशियल ट्रेलर यहाँ पे मुझे कर देना है, जैसे रेनो 4 ऑफिशियल ट्रेलर ये हो गया गाइस, अब मुझे थोड़ा सा आगे लिखना है, तो गाइस इस तरह का मैं स्पेशल सेकंड डाल के उसके आगे लिख रहा हूँ रेनो 4 ऑफिशियल ट्रेलर, जैसे मुझे कुछ भी आने जैसे कुछ लास्ट में लिखना गाइस ऐसे आपको लिखना रहता है ट्रेलर में, जैसे यहाँ लिख देता हूँ इन 2020 लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टाइटल में, तो टाइटल आप सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको टाइटल सर्च करना है, तो आप बिड आईक्यू में जाके सर्च करके देख सकते हैं किस में ज़्यादा रीच है, तो गाइस वहाँ से आप जाके किस वीडियो को ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है तो वहाँ से आप जाके जो है मैंने आपको बताया था किस तरह से सर्च करना है, तो गाइस वहाँ पे आप जाके जो मेरा पुराना वीडियो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, इसी के साथ गाइस आपको देखने को मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर, वहाँ जाके आप देख लेना गाइस। तो आपको बता देता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टाइटल लिख दिया, हम अभी तो मैंने इसे सर्च नहीं किया हूँ, सर्च आप कर जाके कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये जो डिस्क्रिप्शन में पहले ही मैंने जैसे अपलोड किया, यहाँ पे आपको जो जितने भी थिंग्स देखने को मिल रही है पहले से ही टाइप है, जो भी मेरी ये जो एफिलिएट लिंक है वो है गाइस। तो एफिलिएट लिंक क्या है, तो गाइस अमेज़न की तरफ से मिलते हैं, हमें अलग से आईडी बनती है उस एफिलिएट लिंक से, हमें थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है वो है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये है गाइस, तो ये जो है पहले से ही अपलोड है। तो आपको जैसे आपका जो टाइटल हो गया सबसे पहले तो उसे कॉपी करके नीचे रख देना है, दोबारा इस तरह से कॉपी करिए, ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है गाइस। और आपने इस वीडियो में क्या क्या बताया है डिस्क्रिप्शन डालने का भी मैं आपको सही भी बता रहा हूँ गाइस, तो आपको यहाँ क्या क्या डालना है, तो गाइस हम यहाँ पर लिख देंगे एक तो स्पेस दे के आई बड़ा इन दिस वीडियो, आप जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं क्या आप बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा ओल्ड टोटल इन दिस वीडियो यू गेट द ऑफिशियल ट्रेलर
तो गाइस जो आपका वीडियो होगा उसके हिसाब से लिख देना आप, ऑफिशियल ट्रेलर मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी आ जाए। गलत हो गया, ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ रेनो 4 वैसे इस तरह से हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे आप सब्सक्राइब का बटन भी डालिए एक, क्योंकि जब भी आपका व्यूअर्स देखे तो आपको थोड़ा जब नीचे आए तो कैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का ज़्यादा बढ़ता है। तो गाइस क्योंकि न्यू व्यूअर्स आते हैं आधे से आते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब का बटन यहाँ देखने पर थोड़ा सा एक बता है हमारा इंप्रेशन कि थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन में दबा दें, नए व्यूअर्स तो देख रहे हैं गाइस। तो यहाँ हम सब्सक्राइब में लिख देंगे HTTPS, आप अपने चैनल की लिंक कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और यदि आपका पहले से ही जैसे मेरा हो गया दूसरे वीडियोस में डाला है तो मैं YouTube स्टूडियो में जाऊंगा, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहां से पुट कर सकता हूं। और एक और भैया गाइस आप चैनल डिफॉल्ट में जाके वहां पे आप जो वीडियोस अपलोड डिफॉल्ट रहता है वहां पे आप जाके जो लिंक है और ये सब चीज़ें वहां जाके आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमेशा ही जब भी आप नया वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे जितने भी टैब देखने को मिल रहे हैं, पहले से ही मेरी आप लिंक देखने को मिल रही है इस वीडियो को जब अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा youtube.com/romantv। तो ऐसे 100 सब्सक्राइबर में आपको जो रहती है लिंक इस तरह से मिल जाती है, आप चैनल की लिंक पुट कर सकते हैं लास्ट में। तो कैसे इस तरह से हो गया, आप यहाँ पे आपको किस तरह से करना है वो बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, ये हो गया गाइस हमारा डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट। सो गाइस डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट हो चुकी है, हम बढ़ते हैं थंबनेल की तरफ। तो थंबनेल आपको यहाँ पे देख अपलोड डिफ़ॉल्ट भी रहता है गाइस, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है अपलोड डिफ़ॉल्ट हो गया थंबनेल में। तो गाइस यहाँ पे आप जाएंगे अपलोड थंबनेल, गाइस आपको जो थंबनेल बना रहा है वो तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं हूँ, बट गाइस आपको जब भी थंबनेल बनाना है तो आप पिक्सल लेब में जाके बना सकते हैं, वहाँ पे आपको बेस्ट थंबनेल। मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ अपने स्मार्टफोन से ही करता हूँ पूरा वर्क अपलोड, और जितना भी एडिटिंग मेडिटिंग जो भी है गाइस को सब मैं स्मार्टफोन से करता हूँ। अभी तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे हो गया जैसे मेरा एक थंबनेल जैसे ये हो गया, किसी मोबाइल का ही डाल दे रहा हूँ, आप जाके दूसरा डाल सकते हैं, मैं जो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा थंबनेल गाइस, इस तरह से आप जाके थंबनेल भी अपलोड हो गया गाइस। तो अब यहाँ पर आप बढ़ते हैं टैग की तरफ। तो टैग गाइस मैंने आपको टैग सर्च करनी है, अभी प्लेलिस्ट आया गाइस। तो ये जो प्लेलिस्ट है गाइस यहाँ पे आप यदि कोई यदि आप रेगुलर वीडियो बनाते हैं और प्लेलिस्ट बना के आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की प्लेलिस्ट बन गई गाइस, वहाँ जाके आप बना सकते हैं। यदि आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी होगी तो वहाँ जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और जैसे मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाया तो यहाँ प्लेलिस्ट बना के आप डाल सकते हैं वीडियोस। तो गाइस इस तरह से, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है मेड फॉर किट नोट पर किट, यानी ये किट के लिए बना है कि नहीं बना हुआ तो गाइस नो कर देना। यदि एक भी किट का यदि इस्तेमाल हुआ वीडियो बनाने में तो गाइस यस कर देना, क्योंकि यूट्यूब बाद में कन्फर्म करके खुद ही यस कर देता है। तो गाइस यहाँ पे आपको एज रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाती है, यदि आपका एज रेस्ट्रिक्शन वाला वीडियो से 18 प्लस वाले के लिए नहीं बना है ये वीडियो बना है तो आप यस कर देना, नहीं बना है तो गाइस नो कर देना। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है मोर ऑप्शन गाइस, तो ये जो मोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस हमें यहाँ पे कि आपने पेड प्रमोशन किया है इस वीडियोज़ में, तो गाइस यदि हाँ है तो गाइस कर देना क्लिक। जब भी आपका मोनेटाइज रहता है तो गाइस प्लीज़ यहाँ पे यस कर दीजिए यदि आपका पेड प्रमोशन है, नहीं है तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत कीजिए वहाँ पर रहने दीजिए, टिक मत करिए गाइस। तो यहाँ पे आप टैग देख सकते हैं, टैग इस तरह का देखने को मिल जाता है टैग। तो टैग मेरा पहले से ही मैंने बोला था अपलोड डिफॉल्ट, मैंने रोमन टीवी करके रखा हूँ तो अपलोड डिफॉल्ट में हमेशा मेरा जो चैनल का जो टैग है गाइस को हमेशा ही ऐड रहता है। और इसी जानते थे आपको ऐड करना है तो आपको मैंने बिड आईक्यू में बताया था किस तरह से आपको अपलोड करना है। तो गाइस यहाँ पे हम एक दो अपलोड कर देंगे रेनो 4 इस तरह से, ये हो गया गाइस। और इस तरह से हम करते रहेंगे रेनो 4 प्रो गाइस, जितने भी आने जितने सर्च ट्रेंडिंग में जितना है गाइस सर्च बार से जाके आप ऐड कर सकते हैं या कहीं से भी जाके आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको अभी जो मेरा पोस्ट वर्जन है उसमें तो अभी पोस्ट करने को दिखाता है, तो मैं यहाँ से आपको उससे रिलेटेड वहाँ से जाके आप मुझे दिखा देते हैं कि कितने मुझे ऐड करने चाहिए कितने सर्च ट्रेंडिंग में। तो गाइस और गाइस आपको जितने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टैग रहते हैं गाइस उसे आप ऐड कर दीजिए, 500 वर्ड का रहता है पूरा भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है गाइस कुछ भी यूट्यूब कुछ कर। सो गाइस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टैग अपलोड कर सके उतना ही अच्छा है आपके वीडियोज़ के लिए, तो आप उतने ही ज़्यादा सर्च ट्रेंडिंग में चढ़ेंगे। तो अभी देख सकते हैं मेरा एक्सनेबल SEO स्कोर अभी बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा है, तो गाइस यहाँ मैं मुझे ऐड रिफ्रेस करता हूँ और मुझे 2-3 टैग दिखा देते हैं जो कि ट्रेंडिंग में है जैसे, और यहाँ पे मुझे और टैग ऐड करना है तो रेनो 4 ऑफिशियल ट्रेलर इस तरह से कर दूंगा मैं, ऑफिशियल ट्रेलर ये आएगा गाइस, ये कर दिया गाइस ओप्पो रेनो। तो गाइस इस तरह से आपको टैग ऐड करते ही जाना है जितने आपको टैग, यदि जैसे आप मुझे बताया था सर्च करके आप देख सकते हैं यूट्यूब में कि आपको क्या सर्च करा जा रहा है, तो उसके हिसाब से उनको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, फ्री रहता है वो भी,
और ये जो मैं अभी चला रहा हूँ वो फ्री चला रहा हूँ, बट पेट में आ जाएगा कुछ दिनों बाद गाइस। तो इस तरह से है। और यदि आपको सबटाइटल सबटाइटल के इस वीडियो पे या लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप हिंदी कर दीजिए, मेरा हिंदी में बनाया तो गाइस मैंने हिंदी किया हूँ, सर्टिफिकेशन नोन, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप सबटाइटल नीचे देखते हैं हिंदी पे लिखा आता है और इंग्लिश में लिखा आता है वो रहता है गाइस। तो या तो ये ऑटो जनरेटेड रहता है या फिर आप दूसरे से जनरेट करवा सकते हैं अपने वीडियोस के, जिसकी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना है। यदि इंग्लिश व्यूअर के साथ पहुँचाना है तो आप यहाँ पे सबटाइटल लिख के आप अपलोड करेंगे तो इस तरह से सबटाइटल भी आ जाएगा गाइस आपकी वीडियो के नीचे। तो गाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट और लोकेशन यदि आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लाइसेंस है गाइस ये है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये अपना है गाइस की स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दिए। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन जो रहता है गाइस कि आप दूसरे को वीडियो कोई भी यूज़ कर सकता है आपके चैनल से, तो आप उसमें स्ट्राइक ठोक नहीं सकते। पर गाइस यदि कोई हमारा वीडियो अपलोड करता है तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आप हमेशा ही ऑन रखना, क्योंकि आप हमेशा यदि क्रिएटिव है तो गाइस क्रिएटर है तो गाइस खुद का वीडियो खुद का होता है, दूसरे को बांटने के लिए नहीं रहता। तो गाइस यदि कोई करता है तो आप वहाँ जाके उनके वीडियोज़ को आप कॉपी करके अपने वीडियोज़ में अपलोड कर सकते हैं यदि क्रिएटिव कॉमन रहता है। यहाँ पर रहता है कमेंट एंड राइटिंग, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्ड पोटेंशियली इनएपोरेट, इस तरह से है गाइस। और ये सब चीज़ हो गया गाइस हमारा डिटेल का हो गया। और इसके साइड में आता है कि मोनेटाइजेशन गाइस, तो मोनेटाइजेशन टैब जो जिसका मोनेटाइजर रहता है उसको दिखाता है, बट हमारा नहीं है तो नहीं दिखाएगा। वीडियोस एलिमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं एंड एंड एड स्क्रीन, तो गाइस ये छोटा वीडियो इसलिए एंड स्क्रीन नहीं जुड़ रही है, ऐड कार्ड कर सकते हैं यहाँ पर आप जाके ऐड डायरेक्ट, तो ऐड आ जाएगा यहाँ पर जाके, तो इस तरह से आपको ऐड कार्ड का दिखा देगा गाइस ये। तो हम यहाँ पर अपलोड तो कर नहीं रहे, तो हम चल जाते हैं रिटर्न हमारे वीडियोस की तरफ। तो गाइस सो गाइस हमारा वीडियो एलिमेंट ऐड हो गया, विजिबिलिटी ऐड होगी। तो गाइस वीडियो जो एलिमेंट रहता है एंड स्क्रीन जोड़ना बहुत जरूरी रहता है, यदि हम जैसे हमें अपने व्यूअर्स को नेक्स्ट वीडियो की तरफ ले जाना है उस वीडियोस से रिलेटेड, तो गाइस एंड स्क्रीन जोड़ना चाहिए, कार्ड डालना चाहिए हमारे वीडियोस में, तो इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, एक दो व्यूज़ हमारे क्योंकि टच कर ही देते हैं, यदि गाइस उसे पसंद आता है दूसरे वीडियो खंगाल लेते हैं। तो वैसे इस तरह से गाइस हमारा सेव और पब्लिश, अब विजिबिलिटी में जाते गाइस तो सेव और पब्लिश और पब्लिक दिखा रहा है सेट एंड इंस्टेंट प्रीमियम, तो इस तरह का आपको देखने मिल जाता है। यदि आप प्रीमियम देना चाहते हैं 5-10 मिनट में आपका वीडियोस चाहते हैं या फिर 2-3 घंटे में, तो वहाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को मुझे प्राइवेट रहने देना है गाइस, आपको सबसे पहले तो आपको पूरी चीज़ चेक कर लेना है दोबारा कि आपकी सही है कि नहीं, उसके बाद तो गाइस यहाँ पे आपका शेड्यूल कर दीजिए करंट बेस्ट टाइम टू पोस्ट आर गाइस इस तरह से दिखा देता है, तो शेड्यूल पे आप जाके यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे आप अपलोड करना चाहते हैं, तो खुद ही अपलोड जाएगा, खुद अपने आप सिस्टम खुद ही अपलोड कर देगा आपके वीडियो। तो यहाँ पे आप शेड्यूल जाके कर देना गाइस इस तरह से। तो गाइस आपको वीडियोस अपलोड करने से सबसे पहले तो गाइस प्राइवेट रहने देना है हमेशा। तो इस तरह से गाइस आप अपने टाइटल को ऐड करना, टैग को इस्तेमाल करना, और एक चीज़ रहेगी गाइस वो है हैशटैग, हैशटैग बताना भूल गया। तो गाइस यहाँ पे आपका हैशटैग जाके यहाँ से आपको कर देना है, हैशटैग दबा देना है और ओप्पो, बस ओप्पो रहने देते हैं। तो जैसे इस तरह से आप हैशटैग डाल देना कि आपके जितना भी सिस्टम है उसमें थोड़ा चढ़ जाएगा, लास्ट में डाल दीजिए इसके, या फिर यहाँ पे आप मैंने बताया था गाइस यहाँ पे आप लास्ट में एंड पे जाके हैशटैग में इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, तो दोनों मेरे दिखा देंगे हैशटैग रहना, तो दोनों जितने भी टैग है गाइस दोनों दिखा देंगे। तो बट गाइस जितने भी टैग यदि आप यानी आप हैशटैग का यूज़ करें तो लास्ट में ऐड करिए। तो गाइस इस तरह से आप अपलोड करिए और हमेशा ही दो बार चेक कर लीजिए कि आपको वीडियोस में हर चीज़ डन है या नहीं, तो उसके बाद अपलोड करिए यूट्यूब में। तो इस तरह से आप अपलोड करेंगे गाइस तो आपके ज़्यादा व्यूज़ आने के भी ज़्यादा बढ़ते हैं चांसेस, और थंबनेल को 2-3 बार देख लीजिए, 2-3 बार चेक कर लीजिए और टैग किस तरह से डलें सब चीज़ गाइस। तो इस तरह से गाइस सही भी अपलोड करने का इस तरह से आप शेड्यूल वेड्यूल कर दीजिए ये सब चीज़। तो ऐसे ही हो गया फिनिश प्रोसेसिंग और यहाँ पे आपका शेड्यूल कर दूंगा मैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस तरह से ही रेगुलर किस तरह से अपलोड करना है, रेगुलर जब भी आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो इस स्टेप को हमेशा फॉलो करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आपके यूट्यूब चैनल में आएंगे गाइस। तो प्लीज़ स्टेप फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको फुल टोटल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।